हेलो, दिस इज करण बजाज और आज हम लोग उस एक माइंडसेट के बारे में बात करेंगे जो जिस भी फील्ड में अप्लाई करेंगे आपको अनलिमिटेड सक्सेस मिलेगा और वो है द माइंडसेट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। मैं अपने प्रोफेशनल करियर में PNG, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, डिस्कवरी जैसे बेहतरीन कंपनीज में था, पर एंटरप्रेन्योर बनने के बाद ये तीन चीज़ें जो मैंने सीखी, अगर मुझे ये पहले पता होती, 20 साल पहले पता होती, तो माई सक्सेस इन कॉर्पोरेट लाइफ वुड हैव बीन ट्रांसफॉर्मेटिव। तो वो क्या तीन प्रिंसिपल्स हैं आज डिस्कस करते हैं। तो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का पहला प्रिंसिपल, हमेशा एक 10x बेटर प्रोडक्ट पे काम कीजिए जो उसके अल्टरनेटिव प्रोडक्ट से एटलीस्ट 10 times बेटर है। ये मेरे लिए स्टार्टअप का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन था। वो इसलिए क्योंकि स्टार्टअप्स के पास ना ब्रांड है ना फंडिंग है, ऑल दे हैव इज देयर प्रोडक्ट, एंड वो प्रोडक्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग उसके बारे में बात कर रहे हों, लोग उसको अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली के साथ शेयर कर रहे हों। अदरवाइज स्टार्टअप्स के पास इतना फंडिंग नहीं है कि वो मार्केटिंग में भी बहुत पैसा डालें और प्रोडक्ट बनाने में भी बहुत पैसा डालें। ये बड़ी कंपनीज काफ़ी बार भूल जाती हैं क्योंकि बड़ी कंपनीज के पास ब्रांड है, पैसा है, इन्वेस्टमेंट्स है, तो उनके मीडियोकर प्रोडक्ट भी थोड़ी देर के लिए चल जाते हैं। लॉन्ग टर्म में वो भी नहीं चलते, बट थोड़ी देर के लिए वो चल जाते हैं। बट स्टार्टअप्स के पास ये लग्जरी नहीं होती, इसलिए हमेशा कोशिश रहती है कि प्रोडक्ट को हमेशा 10 times बेटर बनाओ अपने ऑल्टरनेटिव से। मुझे याद है वाइट हेड जूनियर में हम लोग ने काफ़ी मेहनत से 3-4 महीने के बाद पहला प्रोडक्ट वर्जन बनाया। उसके बाद वो प्रोडक्ट को बेचने के लिए हर रोज़ रात को हम लोग कॉल करते थे कस्टमर्स को। मैंने 2000 कॉल करे थे 1-2 महीने के पीरियड में, और उसके बाद जाके पहले 100 पेइंग कस्टमर हमारे मिले थे। उसके बाद ये लगा कि अच्छा, फाइनली जो टफ पीरियड है स्टार्टअप का वो खत्म हुआ, पेइंग कस्टमर्स आ गए, अब स्टार्टअप सक्सेसफुल बनेगा। पर उनका पहले 100 पेइंग कस्टमर्स का जो रिएक्शन था वो बहुत ज़्यादा एवरेज था। जो भी हम लोग मैट्रिक्स मेजर करते थे, नेट प्रमोटर स्कोर, वो 23 था, जबकि एवरेज 50 होता है एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट का। रिन्यूअल रेट्स हमारे 30% थे, जबकि एक एवरेज रिन्यूअल रेट बहुत अच्छे प्रोडक्ट के 50% से ऊपर होते हैं। तो मुझे ये समझ आ गया कि इम्पेशेंट हो रहे हैं, पुश कर देना चाहिए प्रोडक्ट, बट सक्सेसफुल नहीं होगा ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में। तो फिर वापस हम लोग गए ड्राइंग बोर्ड पे, फिर दोबारा प्रोडक्ट को इम्प्रूव करा और उसके बाद लॉन्च करा दोबारा मार्केट में, और इस टाइम मेट्रिक्स इंप्रूव हुए और तब हम लोग ने स्केल करना स्टार्ट करा। तो जब तक आपके पास एक 10 times बेटर प्रोडक्ट नहीं है, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे राइटिंग में हो या TV में हो या स्टार्टअप्स के अंदर हो, तो लॉन्ग टर्म में आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। ये मेरा पहला लर्निंग था एज एन एंटरप्रेन्योर कि हमेशा एक 10x बेटर प्रोडक्ट रखो। और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का दूसरा लर्निंग, डिटेल्स पे इतना ध्यान होना चाहिए एज इफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। वो इसलिए क्योंकि स्टार्टअप का एक्चुअल लाइफ डिटेल्स पे डिपेंड करता है। अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो हमारा सीरीज ए फंडिंग 3 हफ्ते में आने वाला था और हमारे बैंक में सिर्फ 1.5 हफ्ते का कैश बाकी था। बट सिंस मुझे नॉलेज था डे टू डे बेसिस पे कितना कैश जा रहा है, इमिजिएटली मैं प्लान कर पाया कि यहाँ पे बोरो करूँ, इस वेंडर को डिले करूँ, ये सैलरीज के लिए ये एडजस्टमेंट करूँ। ऐसे प्लान करने से वी वर एबल टू गेट थ्रू दैट सिचुएशन। स्टार्टअप्स में हमेशा वो होता है कि क्या इतना कैश है कि सर्वाइव कर सको, और वो आदत कि एक एक डिटेल में जाओ, अगर मेरे पास पहले होती अपनी जॉब्स में तो आई वुड हैव बीन मच मच मोर सक्सेसफुल। वाइट हेड जूनियर में वो ऐसी आदत डली राइट फ्रॉम द स्टार्ट सर्वाइव करने के लिए कि जब कंपनी बहुत बड़ी भी बन गई तभी भी हर रोज़ सुबह बैठ के मैनेजमेंट टीम के साथ 10 से 11 बजे बैठ के मैं सारे के सारे मेट्रिक्स, ये सारे मेट्रिक्स जो आप देख रहे हैं, ये हर रोज़ हम लोग रिव्यू करते थे, और वो आदत सी पड़ गई कि सर्वाइव करने के लिए मेजरमेंट करनी पड़ेगी, एंड वॉट एवर गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। तो ये मेरा दूसरा लर्निंग है एज एन एंटरप्रेन्योर कि हमेशा जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हो उसको हर रोज़ डेली मेजर करो, एंड जो भी चीज़ आप मेजर करोगे वो मैनेज होगी और खुद ब खुद इम्प्रूव होती जाएगी। और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का तीसरा और फाइनल पॉइंट, एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अर्जेंसी, एंड रिलेटेड टू दैट वो तीन क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो मैं सीखा यहाँ पे बार बार पूछना ताकि काम अर्जेंटली हो सके। क्यों चाहिए ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अर्जेंसी? वो इसलिए क्योंकि एक स्टार्टअप एक बहुत फनी टाइप का सिनेरियो होता है एक स्टार्टअप में, कि शुरू में कोई भी तुम्हारे प्रोडक्ट में बिलीव नहीं करता। तुम प्रोडक्ट बनाते हो, कस्टमर्स को धीरे धीरे लाते हो, फिर धीरे से एक कैटेगरी इस्टेब्लिश करते हो, और बट जैसे ही आप एक कैटेगरी इस्टेब्लिश करो तो सब लोग वो प्रोडक्ट करने के लिए आ जाते हैं, सारे कंपेटिटर्स वो प्रोडक्ट करने के लिए आ जाते हैं। हमारे केस में पहले 7-8 महीने जब मैं प्रोडक्ट बना रहा था तो कोई भी उस कैटेगरी के अंदर आना नहीं चाहता था, सबको लगता था कि कोडिंग बहुत छोटा कैटेगरी है। पर जैसे ही वो प्रोडक्ट हमारा खड़ा हुआ, इमिजिएटली जो सारे कंपेटिटर्स थे जिनके पास 10, 50, 100 times हमसे ज़्यादा फंडिंग थी, वो सब उस कैटेगरी के अंदर आने का प्लान बना लिया उन्होंने, और तब आई हैड टू अर्जेंटली स्केल द कंपनी, अदरवाइज
हमारा पूरा एग्जिस्टेंस एकदम रिडंडेंट हो जाता क्योंकि लोग ज़्यादा फंडिंग के साथ सेम कैटेगरी के अंदर एंटर कर रहे थे। तो क्विकली मैंने वो प्रोडक्ट को स्केल करना स्टार्ट करा 1, 2, 4, 8, 16 एंड उस स्केलिंग के टाइम पर हर दिन एक अर्जेंसी होती है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। तब मैं ये तीन क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करा जो मैं पहले अपने जॉब्स में शायद उस अर्जेंसी से नहीं पूछ रहा था। तो पहला क्वेश्चन, आज इसमें से क्या कर सकते हैं, क्योंकि मीटिंग में बहुत प्रेजेंटेशन होगी कि ये करते हैं वो करेंगे, बट एक फाउंडर का एक्सट्रीम अर्जेंसी का क्वेश्चन ये है कि आज इसमें से क्या कर सकते हैं, बिकॉज आज कुछ करना पड़ेगा आगे बढ़ाने के लिए कंपनी को, इतनी ज़रूरत होती है उस अर्जेंसी के स्केलिंग पीरियड में। दूसरा क्वेश्चन, ये पूरी मीटिंग के नेक्स्ट स्टेप्स क्या है और इसका ओनर क्या है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार डिस्कशन होती हैं लेकिन ये एक्सट्रीम अर्जेंसी जो चाहिए होती है स्केलिंग के टाइम पे आप एक मिनट भी बर्बाद नहीं कर सकते। तो अगर एक मीटिंग है जिसके अंदर कोई क्लियर नेक्स्ट स्टेप और कोई ओनर नहीं है तो वो मीटिंग फेलियर है और आपका टाइम जो है वो जो बर्बाद हुआ उसमें आप बहुत कुछ और अकम्प्लिश कर सकते थे। तो ये जो सेकेंड क्वेश्चन था कि वॉट आर द नेक्स्ट स्टेप्स एंड हु इज़ द ओनर, ये डालने की आदत डाली। तीसरा क्वेश्चन, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको और कैसे सिंप्लीफाई करें। एंड ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि हर जगह माइंड में ये टेंडेंसी होती है कि थिंग्स को और कॉम्प्लेक्स करें, बट हर टाइम एक सिंपलर आंसर होता है एंड यू हैव टू कीप पुशिंग कि वो कैसे सिंपलर आंसर को बाहर लेके आओ। फॉर एग्जांपल, मुझे याद है मैं एक मीटिंग में था जब एक वेंचर कैपिटलिस्ट मुझे बता रहे थे कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं उनका जो पूरा मार्केटिंग प्लान है वो कितना डिवर्सिफाइड है, वो क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, वो टीवी भी कर रहे हैं, वो फेसबुक भी कर रहे हैं, वो गूगल भी कर रहे हैं, वो स्कूल्स के साथ पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, हर कुछ वो लोग कर रहे हैं और हम लोग कंपैरिजन में कुछ भी नहीं कर रहे। पहले मुझे बुरा लगा कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, फिर मैंने सोचा हम लोग बस दो चीज़ें ठीक से कर रहे थे, एक हमारा प्रोडक्ट अच्छा था, लोग रेफर कर रहे थे हमारा प्रोडक्ट, दूसरा हम लोग फेसबुक पर एडवर्टाइजिंग कर रहे थे। फाइनली देखा जाए तो उन दो चीज़ों से अगर हमारा बिजनेस उस टाइम पर देखो तो वो कंपेटिटर से ऑलमोस्ट 10-20 टाइम्स ज़्यादा था। तो एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, बहुत चैनल्स नहीं चाहिए, सिर्फ एक या दो चीज़ें चाहिए जो ढंग से करना है। एंड दैट्स द थर्ड माइंडसेट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर कि वो हमेशा चीज़ें और से और सिंप्लीफाई करते रहते हैं। अगर ये तीन माइंडसेट आपके पास हैं तो आप हर फील्ड में सक्सेसफुल रहेंगे, चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या फिर कॉर्पोरेट में हैं या फिर एक राइटर हैं। बस ये तीन माइंडसेट प्रिंसिपल्स हमेशा याद रखें। और अगर आपको इससे इंस्पिरेशन मिलता है कि आप भी एंटरप्रेन्योर बने तो ये वीडियो पक्का चेक कीजिए ऑन हाउ टू रेज स्टार्टअप फंडिंग विदाउट एक्चुअली हैविंग अ प्रोडक्ट। इवन अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो कैसे फंडिंग रेज कर सकते हैं, कॉमेंट्स में डेफिनेटली डालिए कि आपके पास और क्या क्वेश्चन है स्टार्टअप के बारे में ताकि वो मैं पढ़ सकूँ और अगले वीडियोज में आंसर करूँ। और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सबसे पहले वो आंसर सुन सकें। मैं हूं करण बजाज एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो।